आज हम सभी डॉक्टर पायल तड़वी जी के सम्मान में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, यह एक गंभीर और चिंता का विषय है कि हमारे बीच में छात्र जो है वो एक निराशा की स्थिति में है। आज भारत के संविधान में जिस तरीके से स्कूलों में जो सिखाया जाता है कि हमारे देश में समानता है, हम जाति से ऊपर उठकर सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं, हमारे देश के अंदर में धर्मनिरपेक्ष भावना सभी के अंदर में है, लेकिन धीरे धीरे जब वो छात्र बड़ा होता है, स्कूल से बाहर निकलता है, तो अपने समाज में आसपास जब देखता है तो देखता है कि जो चीज़ें स्कूलों में और कॉलेज में सिखाई गई ऐसा नहीं है, इसके अंदर में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। वो जब अपने दोस्तों से बात करता है, वो अपने समाज में रहता है, तो उसका दोस्त ही कई बार उसके ऊपर में जातिगत टिप्पणी करता है, उसके ऊपर में परिवार को लेकर के उसकी टिप्पणी करता है, उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर के उस पर टिप्पणी करता है, और ये धीरे धीरे जो है ये उनके मन में इकट्ठा होते जाता है। डॉक्टर पायल तड़वी ने जो सुसाइड किया वो केवल एक दिन में आवेश में आकर या अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, ये हम सभी को समझना होगा। हम जो सभी छात्र साथी हैं और जो भी साथी आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम सभी के मन में एक एक कहानी है, हम सभी के मन में एक स्थिति ये है कि हमने अपने अनुभव से कई सारी चीज़ों को अपने मन में दबा के रखा हुआ है। कारण यही है कि हमें कभी भी अपने आवाज़ को उठाने का मौका नहीं। आपको याद होगा 2016 में 17 जनवरी को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला ने भी आत्महत्या की थी। रोहित वेमुला ने आत्महत्या की वो एक दिन का निर्णय नहीं था, उनको जो है अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन में अम्बेडकर जी के विचारों को बढ़ाने के लिए जब उन्होंने प्रयास शुरू किया तो केंद्रीय मंत्री ने उस समय की शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था, स्मृति ईरानी जी को पत्र लिखा था, और उनको कहा गया था कि ये जो यहाँ पर कार्यकलाप हो रहा है इसको रोक दीजिए। उसके बाद में जो है उनकी फेलोशिप रोक दी गई, 25,000 रुपये उनको जो है देना बंद कर दिया गया। जब उन्होंने अपना सुसाइड नोट लिखा तो उसके अंदर में लिखा कि मेरे जो साथी हैं, जो मेरा रूममेट है, उसको मेरी आत्महत्या करने के बाद में जो पैसे मिलेंगे वो मेरे रूममेट को दे देना, मेरे परिवार के पास पहुंचा देना। तो आज जो स्थिति ऐसी बन रही है इसके पीछे ये कारण केवल व्यक्तिगत कारण नहीं है, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है। हम सभी को जो है इस पर विचार करने की ज़रूरत है। देश के अंदर में जिस तरीके से स्थिति पैदा हो रही है, ये असुरक्षा की स्थिति है। हम सभी एक असुरक्षित